तो भाई लोग कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने बाहुबली का ओल्डर लुक जो मैंने क्रिएट किया था वो कैसे मैंने किया था। तो बहुत भाई जो है ये कमेंट कर रहे हैं या फिर मेरे बहुत से भाई जो हैं जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जो है उनको काइन मास्टर का ट्यूटोरियल दूँ। मगर भाई इस वीडियो में मैं पहले ही बता दूँ कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप जो है काइन मास्टर में नहीं बना सकते और काइन मास्टर यूज किसी भी तरह से नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन ज़रूर लगेगी जिसका हम यूज़ करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा वो एप्लीकेशन है। मगर इसके अलावा जो है आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके वीडियो पे मतलब वर्क कर सके, जो जो चीज़ मैं इस पर यूज़ करता हूँ वो काम कर सके, तो देख लीजिए मेरे पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट है और मैं जो है आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट को लेके और एक एप्लीकेशन को लेके किस तरह से ये वीडियो मैंने बनाया है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको आपका वीडियो फुटेज जो जो वीडियो क्लिप है जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं उसको आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर लीजिए। आपका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर लीजिए और उसके बाद में आपको करना ये है कि आपके वीडियो फुटेज को जो है वो आपको उसको कन्वर्ट करना है PNG सीक्वेंस में। तो इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना वीडियो जो भी ट्रिम कर लिया है उसके बाद में आप जो है रेंडर क्यू में जाइए और यहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यू मैं आप जा सकते हैं रेंडर क्यू में और यहां से जो है आप PNG सीक्वेंस सिलेक्ट कर लीजिए और यहां से जो है आप अपना फोल्डर सिलेक्ट करके उसके बाद में अपने वीडियो को रेंडर कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका जो वीडियो फुटेज है वो आपका PNG सीक्वेंस में। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, उन फ्रेम को उन वीडियो फ्रेम को जो है आपको मोबाइल में इंपोर्ट कर लेना है। एक फोल्डर का नाम दे दीजिए ताकि आपको आसानी रहे और उसके बाद में जो है आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है फेस ऐप। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद में आपको पता है फेस ऐप के बारे में तो वहाँ से जो है आपको हर एक इमेज जो आपका वीडियो जो है PNG सीक्वेंस बना था हर एक इमेज को आपको कन्वर्ट करना है फेस ऐप में और उसमें जो है आप ओल्डर लुक यंग लुक बहुत सारा जो है फिल्टर उसमें देता है। तो किस तरह से आप कौन सा फिल्टर आप यूज़ करना चाहते हैं उस चीज़ को आप हर एक PNG इमेज को सेम चीज़ करते जाइए और पूरे PNG इमेज पे ये आपको करना है। इसके बाद में जो है आप जो है उसका जो है सीरियल नाम दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं फेस ऐप में तो वो भी जो है आपको सीरियली रहना चाहिए। जब आपका पूरा इमेज जो है आप कन्वर्ट कर दिए हैं, जैसे कि मैंने अपना वीडियो इमेज देख सकते हैं उसको मैंने ओल्डर लुक दे दिया है, इसके बाद में आप फिर से इन सारे इमेजेस को एक फोल्डर बना के अपने PC में इंपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद में एडोबी आफ्टर इफेक्ट में जाने के बाद में यहाँ से आप फाइल में जाके यहाँ से जो है इस तरह का प्रोसेस यानी कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप PNG सीक्वेंस को फिर से वीडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप भी अपने वीडियो को ओल्डर लुक वीडियो जो है बना सकते हैं। वैसे तो एंड्रॉयड पे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके फिल्टर आप यूज़ करके एज जो है लुक दे सकते हैं, मगर उसमें क्या है आप अपने कैमरा से अपने आप का बना सकते हैं, किसी एक्टर का नहीं बना सकते। तो ये ट्रिक यूज़ करके जो है मैंने बाहुबली का जो ओल्डर लुक है वो मैंने क्रिएट किया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।